हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम टॉप 5 करंट न्यूज को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट आपकी न्यूज है वो आपकी मरीन लाइफ से रिलेटेड है। यूएन ने क्या किया है, हाल ही में एक ट्रीटी को साइन किया है। आपसे ये पूछ रहा है कि जो यूएन ने हाल ही में एक ट्रीटी साइन किया है जिसमें मरीन लाइफ को कंजर्व करने की बात की गई है, वो किस ईयर में साइन हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2023, 2023 में यूएन ने ये ट्रीटी को साइन किया गया। और उसके बाद यहाँ आप एक टर्म देख रहे होंगे, हाई सीज। इसे जानना भी बहुत जरूरी है कि हाई सीज होता क्या है। बेसिकली आप यहाँ जो आप कोस्टल एरियाज देख रहे हैं, कोस्टल एरियाज में जो आपकी वाटर बॉडीज होती हैं इनको छोड़कर जितना भी एरिया बचता है, यानी जितना भी समुद्र बचता है, इसको कहते हैं हाई सीज या इंटरनेशनल सीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस ट्रीटी में यूएन क्या करेगा, 30% ऑफ ओशियन अंडर प्रोटेक्शन लेगा, यानी 30% ओशियन जो है जिसमें मरीन लाइफ रहती है उसको कंजर्व करेगा और उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा मरीन लाइफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगा दिवस। अभी हाल ही में योगा दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था, तो हम सभी जानते हैं कि 21 जून को मनाया गया था। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हाल ही में योगा दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम है वो है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वसुधैव कुटुंबकम किसकी थीम है, तो अभी हाल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वसुधैव कुटुंबकम है ये आपकी G20 की थीम है, यानी G20 की थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम G20 के लोगों की बात करते हैं तो लोगों को हो जाएगा खिलता हुआ कमल, जिसमें 7 पंखुड़ी दिखाई गई है और जो 7 पंखुड़ी है वो 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महासागर को दर्शाती है, 7 महाद्वीप को दर्शाती है। तो इस हिसाब से आप चीजों को रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है। तो जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हाल ही में भारत ने वियतनाम को एक गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट क्या है, यानी एक उपहार ऑफर किया है भारत ने वियतनाम को। आपसे पूछ रहा है कि उन्होंने क्या दिया है ऐसा, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा INS कृपाण। भारत ने वियतनाम को INS कृपाण दिया है। INS कृपाण की बात करते हैं, ये आप इमेज देख रहे होंगे, ये INS कृपाण है। INS मतलब इंडियन नेवल शिप। ये क्या है, ये एक वॉरशिप है जो इंडिया ने वियतनाम को दिया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य सरकार है जिन्होंने हाल ही में सहकारी नीति 2023 को अपनाया है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कोऑपरेटिव पॉलिसी 2023 को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है डिप्टी गवर्नर की, यानी RBI के डिप्टी गवर्नर अभी नए नए बने हैं, नियुक्त किए गए हैं, उन्हीं का नाम आपसे पूछा गया है कि नए जो डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है। RBI की बात की जा रही है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामीनाथन जानकीरामन। अगर हम शक्तिकांत दास जी की बात करते हैं तो शक्तिकांत दास जी क्या है, प्रेजेंट के गवर्नर है RBI के। किस नंबर के गवर्नर है, ये 25th नंबर के गवर्नर है, किसके, RBI के। तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है आपकी स्वामीनाथन जानकी रमन की, जो RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है जर्मन शांति पुरस्कार की। कहा जा रहा है कि जो जर्मन शांति पुरस्कार यानी जर्मन पीस प्राइज 2023 दिया गया है वो किसे दिया गया है, किसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जी को जर्मन पीस प्राइज 2023 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर सलमान रुश्दी साहब की बात करें तो ये आप फोटो देख रहे हैं, ये उन्हीं की फोटो है। इनकी नाम आप कई सारी बुक्स के साथ देखेंगे, इन्हीं को जर्मन पीस प्राइज 2023 मिला है। तो इस वीडियो में हमने टॉप 5 न्यूज को कवर कर लिया है। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।